अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन मैथमेटिक्स यूनिट नंबर टू आज हम पढ़ रहे हैं और रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर नेम है इसका और 2.2 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर देखनी है। इस पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आइडेंटिफाइड द प्रॉपर्टीज़ यूजिंग द फॉलोइंग। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है क्या, तो पहले हम शायद तो इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे दिया हुआ है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है, इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, ये होता क्या है लॉ, पहले ये देखते हैं कि हमने कहा कि हमारे पास जो भी हम दो रियल नंबर्स ले लेते हैं इसके एग्जांपल से देखते हैं और इन दोनों को हम ऐसे ऐड करते हैं 1 प्लस 2 और 2 प्लस 1, बोथ साइड पे आंसर क्या आएगा, सेम आना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, इस पर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहे हैं। तो इस पर हमने कॉमन एग्जांपल भी देख लिया, हमने सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम बताना था, ए प्लस बी बी प्लस ए क्या है, हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है। फिर ऐसे ही हमारे पास इसका जो स्टूडेंट सेकेंड पार्ट है, हमारे पास सेकेंड पार्ट में हमारे पास है ए बी इंटू सी और ए इंटू बी सी। अब दो की बजाय तीन एलिमेंट्स आ गए हैं हमारे पास, तो इसको हम कहते हैं हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास स्टूडेंट दो की बजाय तीन आ गए हैं इसमें एलिमेंट्स, तो इसमें हमने क्या है, देखें ए बी इंटू सी और ए इंटू बी सी। तो पहले यहाँ पे ए बी को हल है, यहाँ पे बी सी को पहले मल्टीप्लाई किया है, तो इसको हम कहते हैं हमारे पास एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसकी काउंटर एग्जांपल देखते हैं हमारे पास होता क्या है। हम कहेंगे हमारे पास कोई से भी हमने तीन एलिमेंट्स ले लिए रियल नंबर्स के, उनको हमने क्या करना है, पहले ए 1 2 को मल्टीप्लाई करनी है, फिर 3 को, इस तरह से 1 2 और 3। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, पहले 2 और 3 को, तो 2 1 2 फिर 3, फिर 3 2 6, तो 3 2 6 और 3 2 6। इस तरह से देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड का आंसर दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या कहेंगे, ये कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया है एसोसिएटिव लॉ। फिर जो थर्ड पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स, वहाँ पे हमारे पास दिया हुआ 7 और 1, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 7 को किससे मल्टीप्लाई करें, 1 से, तो कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब क्या कहेंगे, हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, अब इसमें से क्या होगा कि अगर जनरलाइज पढ़ें इसमें कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी रियल नंबर की, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमने वो नंबर देखना है, यानी ए और 1 कौन से नंबर है रियल, ए को हम किससे मल्टीप्लाई करें, आंसर यह है वो किससे करेंगे, 1। तो 1 कोई चेंज लेके नहीं है, इसका मतलब 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। बी को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी भी ले लेते हैं, क्या आंसर बी आए वो क्या आएगा, 1। तो 1 इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ऐसे ही हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है। अब ये जो हमारे पास है साइन, इनको हम क्या कहते हैं, इनक्वालिटी। इन वाले साइन को ये भी हो सकती है, इनको हम क्या कहते हैं, इनक्वालिटी। अब ये जो प्रॉपर्टी मेंशन है, एक्स की वैल्यू यहाँ तो क्या है, ग्रेटर देन है या इक्वल है या लेस है वाई से, तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसमें ट्राइकॉटोमी प्रॉपर्टी, ट्राइकॉटोमी प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं, इसको कहते हैं हमारे पास। अब इसमें से नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ है, ए बी किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, बी ए के। तो स्टूडेंट्स जब ए बी इक्वल टू बी है, तो हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं, वो एडिशन के लिहाज से था, तो ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए इसको मल्टीप्लाई कहेंगे। ऐसे अगर इसकी काउंटर एग्जाम्पल देखें तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास 2 और 3 किसको बिलोंग करें, रियल्स को, 2.3 या 3.2 क्या आएगा, ये भी 6 और ये भी 6, तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम है, ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉ की एग्जांपल है। ऐसे फिर हमारे पास ए प्लस सी और बी प्लस सी दिया हुआ है हमारे पास, तो
ए किसके बराबर आया हुआ है हमारे पास, ए इसमें से बी के। अब देखें कौन सी साइड पे सेम नंबर है, इस साइड पे देखें यहाँ पे भी हमारे पास सी है और इस साइड पे भी सी है, तो बाय कौन सा ला है, सी किस साइड पे, ए की राइट साइड पे, बी की भी किस साइड पे है हमारे पास, ये राइट साइड पे, इधर भी राइट साइड पे, तो क्या आएगा बाय कैंसिलेशन ला, कैंसिलेशन ला किसके लिहाज से है, वो एडिशन के लिहाज से। अब इसकी एग्जांपल भी हम देख सकते हैं, एग्जांपल हमारे पास है कि हमने ए बी कोई ऐसे सिंपल ले लेते हैं, 1 2 3 हमारे पास नंबर्स हैं रियल्स, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 1 प्लस 2 और इधर क्या आ रहा है हमारे पास 3 प्लस 2, इधर भी 2 है 1 की राइट साइड पे, इधर भी 2 है, तो हम क्या लिख लेंगे ये 1 इक्वल्स टू 3, तो कौन सा ला अप्लाई किया हमने बाय कैंसिलेशन ला, लेकिन कौन सा है राइट कैंसिलेशन ला से। 7 पे हमने इसमें देखा कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 5 -5 है, तो 5 स्टूडेंट्स -5 में हमारे पास, इसमें हमने देखना है कि हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं इसमें, तो इसमें से जो वैल्यू आ रही है 5 और -5, अब इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास एक दूसरे का क्या आ रहे हैं एडिटिव इन्वर्स है, यानी कि एडिटिव इन्वर्स, वो क्या होता है एडिटिव इन्वर्स, पहले हम देख लेते हैं इसको अच्छे से कि एडिटिव इन्वर्स ए और -1 किसको बिलोंग करे, ए को, यानी ए में क्या ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए, क्या ऐड करें -1, तो इसका मतलब ए का एडिटिव इन्वर्स क्या आएगा -1, इस तरह से 5 का इन्वर्स क्या आएगा -1, लेकिन कौन से वाला इन्वर्स है, ये एडिटिव इन्वर्स है। ऐसे ही 7 में हमारे पास है कि 7 1/7, तो एक दूसरे का ये इन्वर्स है, ये कैंसिल हो रहे हैं, इसी तरह से अगर जनरलाइज करें ए 1 ओवर ए बिलोंग्स टू आर है, तो ए को हम किससे मल्टीप्लाई करें 1 ओवर से, तब क्या आएगा आइडेंटिटी आएगी मल्टीप्लाई के लिहाज से, यहाँ पे भी आइडेंटिटी किसके आ रही है मल्टीप्लाई के लिहाज से, इसका मतलब तो ये क्या आ रहा है बाय मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स। इस तरह से हमारे पास 9th पार्ट है इसका, अच्छा ए ग्रेटर देन हमारे पास क्या आ रहा है बी, तो और ए सी, अब देखें किस साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, अब देखें इसमें, इसमें ये था हमारे पास कि ये ए और बी है हमारे पास, तो सी भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी से, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है हमारे पास बाय मल्टीप्लीकेटिव मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, जो कौन सी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी है और इनक्वालिटी, तो साइन दरम्यान में कौन से वाला है इनक्वालिटी का है। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द फिल द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज, अब हमने इसमें सारा सॉल्व नहीं किया हुआ, अब देखिए उन्होंने कुछ स्टेप छोड़े हुए थे, ये हमारे पास है, तो इसको पहले हम देख लेते हैं कि कितना हमारे पास क्वेश्चन में सॉल्व है। अब ये वाला जो फर्स्ट था उसमें लिखा हुआ है 3x और 3y और -k 3x, अब ये जो था हमारे पास पहले हमने 3y को मल्टीप्लाई किया हुआ है इसके साथ, इसको हम क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लॉ बताना था कौन सा आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी कह लें और मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, तो बाहर क्या है मल्टीप्लाई कर रहे हैं और किस डिस्ट्रीब्यूट किस पे कर रहे हैं, ये हम मल्टी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पे सब्ट्रैक्शन पे। अब आ रहा है हमारे पास स्टूडेंट देखें 3x और +3y है, तो हमने क्या कर दिया इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कम इसको मैंने एसोसिएट कर दिया, यहाँ पे जो वैल्यू उसने दी हुई है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में वो दी हुई है -k 3x और +3y,
तो ये कौन सा ला हमने अप्लाई किया है बाय, हमने अप्लाई किया है बाय कमोडिटिव ला। कमोडिटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब ये थ्री आपस में कैंसिल हो गया, क्या आ गया ज़ीरो। तो ज़ीरो जो आ रहा है वो किसका, किसकी आइडेंटिटी होती है हमारे पास, एडिटिव इनवर्स की। ये थ्री माइनस थ्री एक्स क्या है हमारे पास, एक दूसरे के क्या आ रहे हैं इनवर्स, तो बाय क्या आएगा एडिटिव इनवर्स। और ये ज़ीरो आ रहा है ये क्या आएगा बाय एडिटिव, इसकी आइडेंटिटी आ रही है बाय एडिटिव आइडेंटिटी। अब इस तरह से हमारे पास क्या आएगा, ओनली थ्री वाई आएगा। नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। अब देखें थ्री में हमने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास यूज हुई है, वेरी इजी है। अब जीरो किस चीज़ की हमारे पास आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट्स, हमें ये आइडिया होना चाहिए। तो ज़ीरो जो है हमारे पास वो आइडेंटिटी हमारे पास होती है एडिशन की। तो नाम हमने बताना है कि ये ज़ीरो जो आर आइडेंटिटी है एडिटिव, तो क्या आएगा बाय एडिटिव आइडेंटिटी। फर्स्ट पार्ट हल हो गया। अब हमने ये देखना है कि माइनस टू बाई थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है सबके साथ, तो ला अप्लाई हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव ला। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो रहा है और क्या हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वो मल्टीप्लाई रहा है किसके ऊपर हो रहा है, ओवर कौन सा ऑपरेशन है दरमियान में हमारे पास, वो हमारे पास है ओवर एडिशन। अब थ्री पार्ट थर्ड पार्ट में हमारे पास पाए और माइनस पाए है। तो ये स्टूडेंट्स एक दूसरे के क्या हमने पढ़ा था, इसकी एग्जांपल हमने बताते हैं। ए में क्या ऐड करें कि ज़ीरो आ जाए माइनस, एक दूसरे के क्या थे डिटी इनवर्स। ये भी पाई में क्या ऐड करें कि उसे में आर आइडेंटिटी आ रहे थे, ये क्या कौन से वाले इनवर्स है एडिटिव इनवर्स है। ऐसे हमारे पास फोर्थ पार्ट है इसका, थ्री स्केयर रूट इसमें हमारे पास, तो वो जो थ्री स्केयर रूट जो आएगा हमारे पास, वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है इसकी कि दोनों को मल्टीप्लाई किया क्या नंबर आ रहा है हमारे पास, ये इज़ अ रियल नंबर कह रहा है, ये हमने साथ नहीं राइट किया था। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये कुलैयर प्रॉपर्टी है, क्योंकि आंसर तो दोनों रियल को मल्टीप्लाई किया आंसर क्या आएगा रियल आएंगे, वो थ्री आएगा, थ्री किसको बिलोंग कर रहा है वो रियल को। ऐसे फिफ्थ पार्ट में क्या है, एक में माइनस है और एक में प्लस, एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल है। देखें फाइव फाइव और एट एट कट गया और दरमियान में क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखें माइनस फाइव बाई एट और एट बाई फाइव आपस में कैंसिल भी हो रहे हैं और माइनस माइनस क्या आ रहा है प्लस, तो कौन से वाले इन्वर्स हैं ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो स्टूडेंट्स कमेंट्स भी करें और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे लेक्चर्स का। थैंक यू ऑल।